उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। लोग रोजगार के लिए शहर और दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन कई लोग कृषि से रोजगार की राह खोलते हुए अपने ही खाली होते गांवों को गुलजार करते हैं। ऐसी ही कहानी है प्रेमचंद शर्मा की, जो देहरादून के त्यूणी के ग्राम हटाल से हैं। उन्होंने देखा कि उत्तराखंड के लोग हिमाचल के खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना ही गांव में कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपने ही राज्य में रहकर लोग काम कर सकें। उन्होंने साल 1994 में खेती में नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले ऐसे अनार को उगाया जिसका वजन 1 किलो था। प्रेमचंद कृषि के क्षेत्र में इतना बेहतर कार्य कर चुके हैं कि उन्हें साल 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए खेती की जाती है, कई लोग इस पर काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं देहरादून के रहने वाले प्रेमचंद शर्मा जी, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि आज के टाइम पे पलायन को रोकने के लिए किस तरह से खेती जो है काम कर रही है। एक बात ही आपने बहुत ही अच्छा ये किया पहला ही प्रश्न, क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में अगर हम हिमाचल की तर्ज पर खेती करते हैं तो इसमें जो है मतलब हिमाचल में बिल्कुल पलायन ही नहीं, क्योंकि वहाँ कृषि की जाती है। और अगर हमने आज के युवाओं को इस ओर ले आए ना, तो यहाँ पर जो है जो ये 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी में, तो उससे जो हम जो है हमारा तो जो मजदूर है वो भी 15 हज़ार दे रहे हैं हम उस मजदूर को। सबसे इसमें अपार संभावना है, कृषि में अपार संभावना है, लेकिन मन बनाना है, इसमें शर्म नहीं माननी युवाओं को भी, और उनको प्रशिक्षित भी करना है और उनको ये दिखाना कि भैया एक किसानी से क्या काम कर सकते। बिल्कुल सर, आपका बहुत नाम सुना है कि 94 के से जो आपने एक नया प्रयोग शुरू किया था जिसमें आपको पद्मश्री भी मिला था, सर जानना चाहेंगे कि क्या था वो 94 में ऐसा क्या। पहले हम जो हिमाचल में मजदूरी करते थे और वहाँ जो है सेब की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, मैं मुंशी था वहाँ पर बगीचे में, लेकिन तब सोचा कि हम भी क्यों नहीं सोच, लेकिन हमारे पास ज़मीन ऐसी थी कि हम सन साइड वाली ज़मीन थी और वहाँ पर जो है हम पूरी तरह से ये नहीं कर पा रहे थे बागवानी, लेकिन आज तो हमने वहाँ भी सेब तैयार कर दिया जो लो चिलिंग ब्राइट है उसको लगा दिया है, लेकिन उस समय ये नहीं था कि उस समय हमने देखा कि अनार ही हमारे पास एक ऐसा विकल्प मिला जिसको हमने तैयार करके जो है ये अनार की खेती की। लेकिन अनार भी ऐसा है कि वो 15-20 साल के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर वो जो है वो मांगता है, मतलब वो दोबारा नहीं उसी जगह होगा अनार जहाँ उसके बाद वो हम दूसरी खेती करनी पड़ती है। जो तो दक्षिणी भारत में तो ये कि अगर अनार हटाया तो वो लगाते हैं पपीता लगाते हैं, लेकिन हमारे पास हम कम जमीन वाले काश्तकार थे इसलिए हम जो है उसको जगह दूसरा ये जो आजकल हमने सेब उसकी जगह चयनित किया है, सेब है और कृषि का विविधकरण कर रहे हैं। तो ये थे प्रेमचंद शर्मा जी जो लगातार जो है परंपरागत खेती, एक तरफ तो परंपरागत खेती जो है लोग उसको बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ नए नए प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने जो है कई तरीके से जो है काम किया है और खेती के लिए जो है युवाओं को भी जोड़ रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि खेती जिस पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था कभी आधारित हुआ करती थी जो है उत्तराखंड के लिए भी एक अच्छा साधन बन सकती है। देहरादून से मैं नाज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।